इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? बहुत है। उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, नहीं चाहिए? यस और नो? यस। इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल दो, बन जाओ जुगाड़ू अगर बन सकते हो तो। देखो अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं। देखो अभी आप करोड़पति बने कहां से? मोबाइल रिपेयर के काम से, है ना। अब आप अरबपति बनने वाले हो खिलौनों की दुकान से। मैं सिर्फ सुतली दे करके छोड़ दूंगा, हाँ, और बाकी काम आपको करना है। मैं चिंगारी दे रहा हूं, बम आपके अंदर से फटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ। देखो खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें लाखों लोग खप सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने क्या किया? आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है। अब कहाँ खोलोगे? हलवाई के बगल में? कहाँ खोलोगे? बनो जुगाड़ू, लगाओ दिमाग। नहीं, स्कूल के पास क्या होगा, बच्चे अकेले जाकर के खरीदेंगे? कब खरीदते हैं खिलौने? एक मिनट, कितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं? मैरिड है जिनके बच्चे हो? बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं? एक मॉल में। और दूसरा बताता हूं, और देखो देखो इसको कहते हैं, सुनना सुनना सुनना, अभी बात करते करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है। आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का। देखो यही सोच चाहिए, यही सोच चाहिए, और ये अभी सेकंड्स में हो रहा है। सोचो इस काम के ऊपर आप एक महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो तो कैसा होगा ये काम, कितना कमाल का होगा। देख पा रहे हो? देखो कहाँ खोलनी चाहिए आपको दुकान? बच्चे बीमार हैं और माँ लेकर के जा रही है बच्चों को एक डॉक्टर के पास में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जहां पर लाइन लगी हुई है कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, मतलब एक एक घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो एक घंटे तक बच्चा बीमार है, माँ उदास है, माँ चाहती है कुछ देर के लिए बच्चा अपने दर्द को भूल जाए, बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश होता है खिलौनों से, खिलौनों की दुकान है जस्ट उसके सामने, सोचो क्या होगा। और आप क्या कर सकते हो? देखो आपने क्या कहा, मैं जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर उनको फ्री में, अब ऐसा काम कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया में, इसको बोलते हैं जुगाड़ू सोच। देखो फ्री में बिना पैसे लिए बलून्स दूंगा। आपकी कॉस्ट कितनी है एक बलून की? 5 रुपए। मान लो 2 रुपए की है, उसमें गैस भर गई, ये हो गया वो हो गया, सब मिला के 5 रुपए की पड़ गई आपको। बहुत हाईफाई बलून नहीं, वो स्पाइडरमैन वाला बलून नहीं, सिंपल सा बलून जिसके ऊपर आपकी जो टॉय शॉप है उसका लोगो है। और अगर एक बच्चे को फ्री में बलून मिल गया तो अगर आप बच्चे हो या थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के सोच सको मेरी इस बात को, तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि बच्चों को फ्री की चीजें कितनी अच्छी लगती है। माँ बाप को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अब आपने क्या किया, 5-5 रुपए के 100 बलून्स फ्री में बांट दिए। आपका कितना लगा? 500 रुपए। उसमें से मान लो सिर्फ 20 लोगों ने आपसे टॉयज खरीदे और हर टॉय में आपको 200 रुपए का मार्जिन मिला, कितना कमाया आपने? 4000 रुपए। लगाया कितना था? 500 रुपए। लगाया 500 रुपए, कमाया कितना? 4000 रुपए। कुछ भी गलत किया आपने किसी के साथ में? यस और नो? नो। ईमानदारी से, तरीके से, एक दिन में अगर आपने 20 टॉयज भी इस तरीके से बेचे फ्री के गुब्बारे बांट करके, तो आपने एक दिन में 4000 रुपए कमा लिए। महीने का कितना हुआ? फिर 1,20,000 रुपए पहुंच गए। कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? बहुत टाइम लगेगा। मान लो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, तभी बुरा है क्या? अब इसमें आगे दिमाग लगाओ, इस काम को आगे बढ़ाने की कोई लिमिट है? यस और नो? नो। आप अपनी टॉय शॉप को कितना बड़ा कर सकते हो? शुरू में आपने रेंट पे छोटी सी दुकान ली, और लोग करते भी हैं, आंख खोल करके देखो अपने आसपास में एरिया में लोग कैसे ग्रो करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? एक दुकान खोलते हैं जो छोटी सी होती है,
आई एम 100% श्योर आपको भी ऐसी बहुत सारी दुकानों के बारे में पता होगा. फिर उसके साथ वाली भी ले ली, फिर वो भी ले ली, वो भी ले ली, वो भी ली. बड़ी सी दुकान हो गई. ऐसी दुकान चलता है? yes. टॉय शॉप चल पड़ी. yes. उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा कर लो, उसके बाद में कितनी भी टॉय शॉप्स खोलो. क्या टॉयज को आप सिर्फ ऑफलाइन ही बेच सकते हो? ऑनलाइन नहीं बेच सकते? एक बार आपकी दुकान आ गई तो कहीं भी बेचो. ऑनलाइन कितने टॉयज बिक सकते हैं? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है. अब ये कैसे बिकते हैं? देखो एक बात और ध्यान से समझो. यहां पर एक और चीज, बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को समझ आती है. आपने क्या किया, एक टॉय शॉप खोली और अपनी पसंद के टॉयज ला करके वहां पे भर दिए, क्या होगा? बंद हो जाएगी बड़ी जल्दी, गारंटीड बंद होगी. अभी बैठ करके रोगे यार ये संदीप ने आइडिया दिया टॉय शॉप का, फेल हो गया. समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं. टॉय शॉप आपने खोली, उससे पहले आपने क्या किया? रिसर्च किया. रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशन के बेस पे नहीं. क्या है रियलिटी? आपकी दुकान तब चलेगी जब आपकी दुकान में वो टॉयज हो जो उन बच्चों को पसंद हैं जो उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में आपकी दुकान है. समझ आ रही है बात? हर एरिया के हिसाब से बच्चों की जो पसंद है वो भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स. 80-20 का एक रूल है, जो गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको 80% जो रेवेन्यूज आते हैं किसी भी बिजनेस में, 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस में वो होता है 20% प्रोडक्ट से. मतलब आप 100 टॉयज अपनी दुकान में रखोगे, उसमें से 20 ऐसे होंगे जो बार बार बिकेंगे, 80 ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से 80 में से जो बिकेंगे ही नहीं. तो आपने क्या दिमाग लगाया कि शुरू में मेरे पास में कोई बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लिमिटेड कैपेसिटी है. मान लो अगर दुकान का रेंट देने की आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपये, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दुकान तो मिलेगी नहीं, छोटी है. तो बजाय 80% ऐसे खिलौने रखने के जो बिकते ही नहीं हैं, जो मेरी पसंद के हैं, उससे अच्छा ये है कि 20% ऐसे खिलौने रखे जाएं जो बच्चों की पसंद के हैं, जो बिकते हैं. इससे क्या हुआ? आपने एक बहुत बड़ा जंप मार दिया. अब आपके पास सारे वो खिलौने हैं जो उन बच्चों को चाहिए जो आपकी दुकान में आ रहे हैं. इसके लिए आप थोड़ी सी खुफियाबंती भी कर सकते हो. यानी कि वो जो दुकानें आपके आसपास में हैं, जिस एरिया में भी आप खोलने वाले हो, वहां पर जा करके टॉय शॉप के पास में बैठ जाओ और नजर रखो कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो क्या खरीद के आ रहे हैं, किस तरह के खिलौने खरीद के आ रहे हैं. आइडिया तो लग ही जाएगा. तो आपको समझ आएगा कि अरे तेरे की, ये 4 तरह के खिलौने हैं जो बिके ही जा रहे हैं, भर दो अपनी दुकान को उन 4 खिलौनों से. आ गए मजे? क्या जरूरत है एक बड़ी दुकान खोलने की? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए. ये कब समझ सकते हो? जब आप रियलिटी से जुड़ते चले जाओगे, उस रियलिटी से पॉसिबिलिटीज निकालोगे, ना कि पॉसिबिलिटीज में उलझे रहोगे. ये होगा, वो होगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. रियलिटी को समझो, हैज इट इज देखो, चीजों को सिंपल कर दो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो. मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड करी यहां पर या सिंपल करी है? सिंपल किया है. बिजनेस को सिंपल किया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है. कोई भी कर सकता है अगर उसको ये बेसिक सी बातें समझ आ जाए तो. 10 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे आइडियाज आ गए. सोचो अगर आप इसको आराम से बैठ करके सोचो, इसके ऊपर काम करो. अपने दोस्तों के साथ भी बैठो जो थोड़े से जुगाड़ू हैं, उनके साथ बैठो और बोलो चल यार बैठते हैं, मजे करते हैं, आइडियाज दे और मैं क्या कर सकता हूं, और क्या कर, वहां से आइडियाज आएंगे. अभी क्या कर सकता हूं, इसमें हमेशा याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी क्या कर सकता हूं, 10 साल बाद नहीं. लोग वहां फंस जाते हैं, जब तेरा ये हो जाएगा तब वो हो जाएगा, तब हो जाएगा. अभी क्या है, अभी इमीडिएटली. मेरे हाथ में कितना पैसा है, मान लो 5 लाख रुपए है, तो उसको यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? और अगर यहां लगाऊं और मान लो 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मेरे पास में उसके बाद भी इतना पैसा है कि मैं आराम से उस दुकान को 2 साल तक चला सकूं? अगर है तो आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी. ये सोच करके, अपनी इमेजिनेशंस के बेस पे बड़े बड़े प्लान बना के आपने एक दुकान खोल दी, ये सोच करके कि अगले महीने से ही मैं लाखों रुपए कमाने लग जाऊंगा, मर गए. आपने क्या किया, एक रियलिस्टिक प्लान बनाया. यहां पर प्लानिंग आ गई. प्लान क्या है? अब इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्लान है. मेरे हाथ में 5 लाख रुपए है. अभी भी आप बजटिंग करते ही हो? हर चीज जो भी खरीदनी होती है उसकी बजटिंग करते हो, प्लान करते हो कि इतना पैसा यहां जाएगा, इतना यहां, इतना यहां, ऐसी इसमें प्लानिंग है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है. सिंपल सी प्लानिंग है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है,
बेस्ट केस तो समझ आता है जो मैंने बोला है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, उसको छोड़ो। वो देखना इसलिए जरूरी है कि कहीं आप ऐसे किसी काम में जाकर के ना फंस जाओ जिसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इसलिए वो भी देखना जरूरी है कि वो काम कोई टेम्पररी काम है या परमानेंट काम है। ये दोनों ही काम परमानेंट है, मोबाइल रिपेयर वाला भी और टॉय शॉप वाला भी, दोनों काम परमानेंट है। तो आपने पॉसिबिलिटीज को देखा, फिर रियलिटी के ऊपर काम करते चले गए, इसको आपने पक्का कर दिया हर तरफ से, अपने प्लान को स्ट्रांग कर दिया। बेस्ट केस सिनेरियो यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरी दुकान चल पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? 3 साल के अंदर अंदर दुकान चल पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं अगर अपना काम अच्छे से करता रहा तो 3 साल, तो 3 साल तक कितना पैसा चाहिएगा सर्वाइव करने के लिए? क्या वो मेरे पास में है? हाँ है, हो गया काम। अगर इस तरह से आप चले तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सोचो ये जो मैं बोल रहा हूं ये रियलिटी में हो जाए, और होना ही है, होना ही है। जितना कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। कोई मरा हुआ आदमी होगा जिसके अंदर मेरी बातें नहीं जा रही होंगी, जिंदा आदमी होगा तो उसके तो दिल चीर करके अंदर तक जाएंगी ये बातें। जा रही हैं? यस और नो? हाँ। अब जब ये अंदर गई तो एक बीज चला गया ना अंदर, आज नहीं तो कल इसने पेड़ बनना ही बनना है, आपने सक्सेसफुल होना ही होना है। मेरे साथ साथ में बोलना कि अगर इस रास्ते पर चल करके मैं सक्सेसफुल हो गया तो उस सक्सेस को, उस पैसे को अपने तक नहीं रखूंगा, उसको शेयर करूंगा, पूरे दिल से शेयर करूंगा ऐसे लोगों के साथ जिनको उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। हैट्स ऑफ टू यू। Thank you.